हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, तो ये फ्रेंड होली के बाद की वीडियो है, बट मैं शेयर नहीं कर पाई थी आपके साथ, तो इसलिए सोचा चलो अब शेयर कर देती हूँ। और फ्रेंड, यहाँ पे मेरी चल रही है, मतलब जो कपड़े वगैरह हैं फ्रेंड, गर्म कपड़े हैं वो रख रही थी मैं। तो इससे पहले मैंने एक दिन पहले कपड़े वगैरह वॉश कर दिए थे, जो भी गर्म कपड़े थे, और रजाई के कवर वगैरह जो भी थे फ्रेंड, ब्लैंकेट वगैरह, तो जो डेली यूज़ में मतलब कि हम ओढ़ते वगैरह हैं, वो सब मैंने मतलब वॉश करके रख दिए थे। और नेक्स्ट डे सोचा था, तो चलो मैंने सोचा कि मतलब इनको तय वगैरह करके फिर रख दूँगी, और विंटर के कपड़े मुझे निकालने थे। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने विंटर के कपड़े वगैरह निकाले थे और समर के कपड़े रख दिए थे। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा फैल गया था घर, क्योंकि जब कपड़े वगैरह निकालो और रखने में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब झंझट है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला काम। और मुझे ही नहीं, शायद मुझे लगता है सबको ही पसंद नहीं होगा, बट क्या करें, करना तो पड़ता ही है फ्रेंड। और साथ में यहाँ माही भी हुए हैं, वो भी मेरे साथ लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। तो माही है यहाँ पे, माही ने बक्सा वगैरह पकड़ रखा है, और मैं फटाफट से सेट करके रख रही हूँ सामान, क्योंकि फ्रेंड सेट करना भी पड़ता है, क्योंकि कई बार नहीं आता है, तो बार बार मुझे निकालना पड़ रहा था और फिर दोबारा से सेट करके रखा है। तो फ्रेंड, मतलब एक ब्लैंकेट है जो उसमें नहीं आ रहा था, तो फिर वो मैंने दीवान बेड है उसमें जगह बना के रखा था। फ्रेंड, कम से कम मुझे 2 घंटे लग गए थे इस काम को करने में, बट फिर भी फ्रेंड मतलब नहीं हो पाया था, और मतलब मुझे पता ही नहीं चला कब मैं लगी थी फ्रेंड यहाँ पे। 7 साढ़े 7 बजे लगी थी खाना वगैरह बना के, फिर मैंने सोचा अब शाम को कर लेती हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड मैं 9 सवा 9 बजे फ्री हुई थी। बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था फ्रेंड इस काम में मुझे। और फिर उसके बाद विंटर के कपड़े वगैरह निकाल के फिर वो भी वॉश वगैरह करे थे मैंने नेक्स्ट डे, क्योंकि बहुत काम फैल जाता है। और कपड़ों का तो फ्रेंड, जब कहीं जाना हो, जब ऐसा होता है कि कपड़े ही नहीं है, और वैसे ढूंढो तो इतने ढेर लगे रहते हैं कपड़ों के, समझ नहीं आता इनमें से क्या एक्स्ट्रा है, जो वेस्ट है वो निकालो और क्या नहीं है। बार बार ऐसा होता है, यार ये वाला वेस्ट है, इसको रहने देते हैं, बट वो फिर से रख लेते हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि अब ये वाला सूट नहीं पहनूंगी, तो मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यार ये तो बहुत अच्छा है, चलो फिर वापस से मैं इसको रख लेती हूँ। इसलिए फ्रेंड, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है। तो फ्रेंड, आप इन्जॉय करिए इस वीडियो को, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और फ्रेंड, मैंने वीडियो को मतलब ज़्यादा ही फास्ट कर दिया था, ताकि आप सब बोर ना हो जाएं, क्योंकि फ्रेंड ये डेली के काम है, और व्लॉग वगैरह समझ नहीं आता क्या बनाएं। तो जो भी मैं मतलब काम करती हूँ, जो कुछ भी है, तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
तो फ्रेंड फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया है और बहुत बोरिंग काम है ये वाला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें, करना तो पड़ता ही है। सर्दियों के कपड़े निकालो, फिर उन्हें रखो, फिर गर्मियों के निकालो, फिर सर्दियों के रखो, और अभी गर्मियों के कपड़े निकाल तो दिए बट उन्हें कल धोऊंगी, क्योंकि फ्रेंड में स्मेल हो जाती है रखे रखे, तो उन्हें धो के वॉश वगैरह करके और फिर उसके बाद बच्चे वगैरह पहनेंगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई और टाइम नहीं मिल रहा था। फ्रेंड मैंने सोचा था होली के बाद ही रखूँगी, चलो जैसे भी होगा, थोड़े बहुत तो मैंने रख दिए थे, और आज अपने और मतलब कि अपने और इसके पापा के तो रख दिए थे, माही पी के रह रहे थे थोड़े बहुत, रख दिया। फाइनली मैंने बिस्तर वगैरह सब आज धो दिए थे, तो सूखने वगैरह के बाद मैंने रख दिए फटाफट से, और मैंने रात को करा है फ्रेंड ये काम, और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:30 बज चुके होंगे सर, क्योंकि खाना वाना मैंने बना लिया था, फिर मैंने सोचा चलो खाना वाना बना के फ्री होकर जब भी करूँगी, क्योंकि आज फ्रेंड दिन में मतलब कि कपड़े वगैरह धोए थे सूखने के बाद भी, उसके बाद ही मैंने सोचा अब कर लेती हूँ, क्योंकि इसके जो पापा हैं माही पी होते वो लेट ही आते हैं, तो फ्री हो फ्री भी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब क्या करूँगी और अब कपड़े वगैरह तय कर लेती हूँ। और सॉरी फ्रेंड मैं एलवी वगैरह भी नहीं कर पा रही हूँ, कम से कम शायद 7-8 डेज हो गए होंगे मैं एलवी नहीं कर रही हूँ, तो सॉरी उसके लिए, जब भी फ्री होंगी तो जब एलवी करूँगी। तो फ्रेंड मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, और प्लीज़ मेरे चैनल पर जो भी न्यू है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर फ्रेंड।